जो है ना जा रही है, तो हम लाखों करोड़ों का भी खर्च करेंगे, 5, 6, 8, 10 साल में वो सेटल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 100% हो जाएगा, 100%। अच्छा, अब भारत सरकार का इसमें 5 पैसे नहीं लगना है, क्यों? जी। क्योंकि जो 3 MSP की जब हम एसेट क्रिएट कर रहे हैं, उसी समय एक और अकाउंट किसान का बनाया गया है, जिसको हमने कहा है एसेट अकाउंट। तो अच्छा। जितना हम एसेट क्रिएट करेंगे, उतना भारत विकास निधि ऑटोमेटेड हो जाएगी, बहुत बढ़िया और जो भुगतान होगा वो भारत विकास निधि से होगा, और जी, एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। बहुत बढ़िया, बहुत राइट? बढ़िया आप सर बताओ, जी, भारत सरकार को पैसे की जरूरत है क्या? ये बिल्कुल जो मंडियों में किसानों का शोषण है, उसकी जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मजदूरों को ढूंढने के लिए किसान को भागना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं, पूरी ट्रांसपेरेंसी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है बीज जो वो चुनेगा, वो बीज उसके खेत पे पहुंच जाएगा, और जी। क्योंकि सब सिस्टम हमारे हाथ में होगा, तो हम ये भी डिसाइड कर पाएंगे कि कितना एकरेज कितने पे होगा, उस ऐप में पहले दिखाई देता रहेगा, जो जी। चाहे वो शो कर ले। और चूंकि सब अपने हाथ में है, तो अपन ये इंश्योर करेंगे कोई भी फसल बो, आपको लगभग एक जैसा लाभ ही मिल जाएगा, क्योंकि हम उसी तरीके से MSP बनाएंगे उसकी। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया देखिए, सर, बहुत अभी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको इसलिए देना पड़ रही है क्योंकि खर्च ज्यादा है। अब जी खर्च बिल्कुल, 0 है, तो MSP हम जो चाहें वो होगी कि नहीं होगी? 100% होगी सर। अब आप ये बताओ, हम यदि MSP इस ढंग से तय करेंगे कि चाहे आप कोई भी खाद्यान्न, कोई भी चीज बोएं, जो हम कहें वो आपको, आप डिसीजन लेंगे, लेकिन हमारे पैरामीटर से लेंगे, तो हम ये भी इंश्योर कर पाएंगे कि एक खेत में यदि आपने कोई खाद्यान्न बिल्कुल बोया है, तो बगल बिल्कुल वाले खेत में वही खाद्यान्न नहीं बोया जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। देखिए, जो जवाबदारी ले रहा है और जो पूरी तरह से उसमें प्लान करके रखा है, तो हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा ना नहीं, किसान के हिसाब से चलेंगे, लेकिन किसान को मार्गदर्शन के लिए एक ऐप होगा, जी। तो डिसीजन किसान लेगा, लेकिन पैरामीटर बैकग्राउंड में वो ऐप तय करेगा। जी सही और बात है। वो ये भी हम तय कर रहे हैं कि आप चाहे आप कोई भी फसल बो, लगभग आपको उतना लाभ मिल ही जाना है। तो यदि आपने किसी कारण से देर हो गया डिसीजन लेने में, तो आप जैसे जूम करिए कि आपने कहा कि 50,000 हेक्टेयर में ये चीज बोई जाएगी। अब 50,000 हेक्टेयर हो गए और अब उस किसान ने डिसीजन नहीं लिया, तो फिर वो जो है ना खाद्यान्न वो चीज नहीं बो पाएगा, फिर वो जी। सेकंड ऑप्शन पे बोएगा। तो चाहे आप फर्स्ट ऑप्शन बो चाहे सेकंड ऑप्शन बो, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किसान को आमदनी उतनी ही हो जाए बिल्कुल सही और बात है, उसका खर्च हो नहीं रहा है, तो उसको कोई कर्ज लेने की जरूरत होगी क्या? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जब इतनी सपोर्ट है तो किसान लोगों को इस चीज को पूरी गहराई से अच्छा, समझना चाहिए। ये बता, नहीं, किसी को कुछ नहीं समझना है, नरेंद्र मोदी जी को समझना है, क्योंकि उनके मन में डर है। अब ये बताओ, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जेब का पैसा या सरकार का पैसा लग रहा है इसमें कहीं पे? नहीं लग रहा एक पैसा नहीं लग रहा है, है जी, तो कल से घोषणा करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अभी किसान अपने आप जाना घर चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? आराम से आराम से मैं ले, बड़ी छोटी सी बात कह रहा हूँ ना। सही बात है, बिल्कुल सही बात तो है। हम जो है गुलामों के नियम कानून बदलेंगे। आज का जो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था, कौन है जिसका मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस था, वो क्या थी? अंग्रेजों की 1860 की पुलिस, 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है वो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात सर। आप आज हमारी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से क्यों गवर्न होना चाहिए थी, जो आम आदमी पर डंडे बरसाने के लिए बनी हुई थी? जरूरत ही नहीं है सर, जरूरत ही नहीं।